तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ो बलवान, काबे लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। मित्रों समय की बात बता रहा हूं आपको, समय समय में होता है समय समय की बात, और एक समय को दिन बड़ो नी एक समय की रात। एक कदे कदे गीत रासू सिंगहार गावे, कदे कदे गीत रासू शेरहार गावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। पलट्यो कभी इन भजन से मैंने उदाहरण दियो, ये गुरु वशिष्ठ महागुनी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, अरे रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, अरे राजा दशरथ प्राण त्याग जद, राजा दशरथ जीवन जो सबसे मुश्किल है तो समझ लो कि अपनों सोच लो गलत है। अपन अगर ये सोच रहे कि भगवान हमें दुख दे रहा है, हम भगवान से दुखी हैं, तो भी ये गलत है। भगवान राम री एक दुख उदान दूला एडी शख्सियत, भगवान राम री पत्नी जो नाम सीता माँ, राजा जनक रे घरे रही वो बड़े सुख में आनंद में रही, भगवान राम सु ब्याह होयो और भी आनंद हो गयो, अयोध्या नगरी में रानी बन पधारी और परम आनंद हो गयो, और जो ही अयोध्या में आई माता के कई रे कहने रे माथे, 14 बरस रे वनवास रे बात से आप रे पति रे हाथे रवाना हो गई। वनवास पूरो होने समय आयो तो लंका पति रावण सीता माता रो हरण कर ले गयो, और लंका में आप रे पति रे वियोग रे मायने बड़ी तड़पी माँ सीता। भगवान राम गया युद्ध कर ले आया सीता माता ने, जो युद्ध कर लंका रे उन सीमा रे माथे खड़ा हुआ तो लोगों रे कहने रे माथे, सीता माता ने अग्नि परीक्षा से गुजरनो पड़ो, अग्नि परीक्षा से गुजर सीता माता पाचा अयोध्या गा तो एक गांव रे लोगों रे नगर रे लोगों रे कहने रे माथे, सीता माता ने आपरी वा नगरी छोड़ और जंगल में जानो पड़ो, और एक भगवान राम री पत्नी राजा दशरथरी बहुआरी राजा दशरथरी पुत्र वधु, किन प्रकार आप रे पुत्र ने एक साधुरी कुटिया रे माई जा जन्म देवे, इनसे बड़ो दुख काई और अंत में इन धरती रो सीनो फाटे और इन धरती रे माई ने सीता माता रो अंत दे, इनसे बड़ो दुख अपारे जीवन में कदे आ नहीं सके। जड़ बतायो कि समय रो इंतजार कर, अगर थारो अच्छो समय है तो घमंड मत कर, और बुरो समय है तो इंतजार कर, इन बुरे रे बाद में अच्छो आवेला। और किन प्रकार राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई, अरे राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई, और मोर जाय जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खाई, ए राजा भी सड़ रहा
पद्मा कुण कुण मोर धजरी कथा कुण कुण सुनोड़ी मोर धजरी बात कुण कुण सुनोड़ी पद्मा कितरो आप समय रो इंतजार की और समय आयो राजा भीष्म राव आपरी पुत्री ने पूछो कि पद्मा थारो भाग केड़ो है क्योंकि छह ऋतु शादी होगी पद्मा री शादी नहीं हो रही है। पद्मा कहती पिताजी आपने मारी चिंता करनी जरूरी नहीं है, मैं आप कर्मी हूँ ना कि बाप कर्मी। पिताजी ने बड़ो क्रोध आ गया कि मारी छोटी दीकरी और मने तो बड़ो शब्द कह दियो, अगर तुम आप कर्मी है तो थारे इन कर्म ने मारे हम आज परीक्षा देवनी पड़ेला, आज थारे भगवान ने मारे परीक्षा दे बतानो पड़ेला कि तू आप कर्मी है। आदेश दियो कि इन नगरी से निकलता वक्त जो पहलो जीव मिले वाने उठा लाओ और इन पद्मा ने परना भेजो, फिर इनका बाग देखो। जो ही नगरी से बाहर कदम रखे तो एक मोर सामने आयो, घूम फिर पाचाया, दूजे दिन गया तो वही मोर सामने आयो और तीजे दिन गया तो भी मासा वही मोर सामने आयो। राजा आदेश दियो को बताओ पद्मा रो वर ढूंढने वास्ते आपने भेजा। सैनिक कहे राजा जी एक मोर है जो हर बार निकलते ही सामो आ जावे। राजा जी आदेश दियो कि आज तो भगवान की परीक्षा लेने का समय है, वह मोरी ने उठा लाओ और पद्मा ने परना भेजो। और बेचारी पद्मा ने उन महला रे मायने और मोर रे लारे साथ फेरा खिलाओ जंगल रे मायने की रवाना कर दी। जंगल रे मायने वो जंगल रो जीव मोर बिचारो मर गयो और उन वक्त भगवान शंकर ने पद्मा करुणा पुकार करी कि अगर आज ये बात सत्य हो गई कि कोई इंसान आप रे पिता रे माथे भी निर्भर रह सके, कोई इंसान आप रे पति रे माथे भी निर्भर रह सके, या कोई इंसान दूसरे इंसान रे माथे निर्भर रे पूरा जीवन बिता सके, तो एक दूसरे रो जीवन बड़ो मुश्किल हो जावेला। और शंकर भगवान उन वक्त मैर करी मैर भाई शिव जी की ऐसी मैर भाई ए मैर भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनाया समय को भरोसो थोड़ी मार जावे समय तो भरोसो थोड़ी कभी पलटी मार जावे सारे समय राजा भरत हरी रानी पिंगला महला में सुख पावे वारो समय पलट्यो जिना ने समय रे अच्छे समय रे मायने आप रे समय रे माथे घमंड करो अभिमान करो। राजा भरत हरी रानी पिंगला एक दूसरे से अधिक प्रेम करता और रानी पिंगला ने इतना विश्वास हतो कि मारो पति मने छोड़ कदी इन जन्म में तो नहीं जावे, सात जन्म में भी नहीं जावे। एक दिन राजा भर्तरी ने दरबार गोरखनाथ जी महाराज पधारया और अलग जगह अलग निरंजन भिक्षा दे। रानी पिंगला भागती भागती आई, गोरखनाथ जी महाराज ने भिक्षा करवाई और गोरखनाथ जी महाराज आशीष दियो कि जा थारो पति जोगी बने। रानी पिंगला क्रोधित हो गई कि मैं तो आपने भिक्षा कराई और आप मने श्राप दे रहे हो कि जा थारो पति जोगी बेला, ये तो गलत बात है। गोरखनाथ जी महाराज कहो कि रानी जो गोरख ने मुख से निकल गयो वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पलट सके, आप बात तो होनी ही होनी। बेचारी पिंगला राजा गोरखनाथ जी महाराज ने पग पकड़े और कहे हे गुरुदेव मने इन कष्ट सु निवारण बताओ। जने राजा गोरखनाथ जी महाराज कहे कि हे पिंगला अगर आप रे पति ने बचानो है इन कष्ट सो अगर जोगी होने से बचानो तो एक बात और ध्यान रख जे थारे पति ने कभी शिकार खेलन मत जान दीजे, अगर शिकार खेलन जावे तो सफेद घोड़े माथे मत चढ़न दीजे और अगर सफेद घोड़े माथे चढ़े तो उत्तर दिशा में मत जान दीजे। एक दिन वो समय आयो राजा भरत हरि सफेद शिकार करने वास्ते रवाना हुआ। रानी पिंगला राजा भरतरी का पग पकड़े की हे पतिदेव आप छप्पन भोग लगा दो ला मैं महिला रे मायने पर आप शिकार खेलने मत जाओ। राजा जोगी अगन जल जिनकी उल्टी रीत पतिदेव मान्या नहीं और सफेद घोड़े रे माथे चढ़ उत्तर दिशा में रवाना हुआ। रानी पिंगला नारे रोती रोती अगला ने पकड़े कहे अरे छोड़े ने मत जाए राजा भरा छोड़े ने मत जाए राजा भरा
राजा हरिश्चंद्र नाई तारापति होई तस कबर के बावे और कैसो खेल रचियो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। देखिए ये जो भजन में गा रहा हूं ये सुनने वाले लोगों के लिए है जो भक्ति में उस वक्त तक बैठते हैं जिनको सुनना है कि वास्तव में भजन का अर्थ। अगर ये भजन ही मैंने आते वक्त पहले गा दिया होता तो ये काम का नहीं। जिन लोगों को जाने की जल्दी थी वो लोग चले गए और जिन लोगों को वास्तव में भजन का अर्थ सुनना है वो लोग यहां पर विराजमान। भक्त वत्सल भगवान की।